आज ड्राई स्किन का फेशियल किया जा रहा है। क्लिंजिंग मिल से, क्लिंजर से चेहरे को पोछा जा रहा है। उसके बाद ओरिफ्लेम एसेंशियल्स कोल्ड क्रीम, सारे स्किन टाइप मिल्क हनी शुगर स्क्रब है। इसमें पॉलीथीन बीट्स की मात्रा बहुत कम है, जो हमारे स्किन को हार्म नहीं पहुंचता। ये बॉडी स्क्रब की भी तरह यूज कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स अच्छे होते हैं। हल्के हाथों से हम स्क्रब का मसाज करेंगे। इसमें रबिंग मेथड ज़्यादा होता है, वो मसाज हमारे स्टेप्स इसमें रबिंग ज़्यादा हो, उस तरह से हम देखिए क्लॉक एंटी क्लॉक हल्के हाथों से रब करते हुए गर्दन से स्टेप बाय स्टेप हम फेस के हम पार्ट्स पर आते हैं। और सारे स्टेप्स कैसे हो रहे हैं आप ध्यान से देखें। और इतने ही हमने ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा किया है आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फास्ट आप करोगे और कितना स्लो करोगे और किस तरह से करोगे। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि कितना स्लो आपका हाथ चलना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा, जब मेरा हाथ थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो हम गुलाब जल या थोड़ा सा पानी का सहारा लेंगे। पानी उतना ही लेंगे या गुलाब जल उतना ही लेंगे जितना कि हमारा हाथ चल पाए। बस हमारे नाखून कटे होने चाहिए और हम अपनी अंगूठियां वगैरह सब निकाल देंगे ताकि हमारे किसी कस्टमर को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। और आपको भी फेशियल का जो स्टेप्स कर रही हैं उसको करने में दिक्कत ना आए, आप इजीली अच्छे से आप फेशियल के स्टेप्स कर पाएँ। स्पंज या टिश्यू की सहायता से स्क्रब को पोंछ देंगे अच्छे से, कोई भी पार्टिकल ना रहने पाए, क्योंकि जब हम और आगे का स्टेप करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ये लव नेचर का रेडियंस फेस जेल है, ऑल टाइप स्किन है, ऑर्गेनिक एप्रिकोट एंड ऑरेंज है इसमें, और हर तरह के स्किन के लिए यह अच्छा होता है। जेल से 3 to 5 मिनट्स हम मसाज करेंगे। ये सारे अलग अलग इनके पास थे, अलग अलग जो इनको फेस को यूज करता है, ये अपना खुद लाई थी। ये हमारी स्टूडेंट हैं। किस तरह से देखिए प्रेशर दिया जा रहा है। इस स्टेप पर विशेष ध्यान दें तो हमारे जो बॉडी का जो हमारा पार्ट्स है वो चर्बी उस पर नहीं चढ़ेगी। राउंड राउंड देखिए फिंगर की सहायता से कितनी खूबसूरती से मसाज हो रहा है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर नहीं देना है, स्टाइल देना है, और हमारे जो टच है वो कस्टमर के स्किन से नहीं हटना चाहिए। कैसे हल्के हाथों से मसाज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहे हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दें। हम सारे स्टेप्स मिक्स एंड मैच करके भी हम यूज कर सकते हैं। फिंगर कितनी खूबसूरती से चल रहा आप ध्यान दें, सारा फिंगर का कमाल है। लिफ्टिंग मेथड देखिए किया जा रहा है, चिक के स्किन को लिफ्ट किया जा रहा है।
एक बार दाएं से एक बार बाएं से नोज के जो कॉर्नर का पॉइंट होता है वहाँ पर भी हम ये ओरिफ्लेम एसेंशियल्स कोल्ड क्रीम है, सारे स्किन टाइप है। ये इसी से मसाज करवाती हैं। ये सारे टाइप स्किन पर हम यूज कर सकते हैं। मैं क्लास में जो भी सिखाती हूँ वो सारे हम वीडियो बना करके डालती हूँ ताकि सब स्टूडेंट जो आ पाती हैं, यानी मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सिखाती हूँ, जो मैं सिखाती हूँ क्लास में वही मैं वीडियोस डालती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सकें, ट्रेनिंग ले सकें और एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट ले सकें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसलिए हम वो सारे वीडियोस डालती हूँ जो क्लास में मैं सिखाती हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है क्योंकि बहुत स्लो स्पीड में मैंने इसको किया है ताकि सारे स्टेप देख सकें और कैसे आप करोगे और कितना स्लो करोगे इस बात को आप जान पाएँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे वीडियो देखने में। यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। अब गीले कॉटन से हम पोंछ दे रहे हैं। ये ओरिफ्लेम का मिल्क हनी है, शुगर स्क्रब है, इसमें पॉलीथीन बीट्स की मात्रा बहुत कम है, रेयर है, और ये बॉडी स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं। यह किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह ऑल टाइप स्किन पर्पस है। ये लव नेचर का रेडियंस फेस जेल है, ऑल स्किन टाइप है, ऑर्गेनिक एप्रिकोट एंड ऑरेंज, और ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, और एक देखिए, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, दूसरा देखिए। इन्होंने ओरिफ्लेम एसेंशियल्स कोल्ड क्रीम यूज कराया है जो सारे स्किन टाइप का है, ओरिफ्लेम का है ये।
आप कोई भी मसाज क्रीम यूज कर सकते हैं जो ड्राई स्किन के लिए हो। इसके बाद आप कोई भी ड्राई फेस के लिए आप पैक यूज कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल के साथ मुल्तानी मिट्टी लगा करके और विटामिन ई की गोली डाल के भी आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पैक नहीं दिखा पाई हूँ, आप ये पैक लगा सकते हो, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। या आप मलाई में शहद डाल के भी लगा सकते हो। यदि आप ओरिजिनल घर का बना हुआ पैक लगाना चाहते हो, और नहीं तो कोई भी ड्राई स्किन के लिए पैक जो भी हो आपके पास आप यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल के लिए यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। मेरा दूसरा चैनल है शिप्रा श्वेता कुकिंग, जहां मैं डेलिशियस रेसिपी डालती हूं, आप वहां भी जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं।